अब जहाँ तक कि खुशी का सवाल है, खुशी बहुत है, बहुत अच्छा लगा जब फिल्म का रिस्पांस अच्छा रहा, ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा रहा। जहाँ तक कि कलेक्शन का सवाल है, अंतर्यामी नहीं हूँ, बता नहीं सकता कि कहाँ तक जाएगी। ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा लगा कि फिल्म की ओपनिंग अच्छी रही। कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं नर्वस था, एंड कि फिल्म जब रिलीज़ होती है किसी को नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है। फिल्म ज़रूरी था, ये ज़रूर था कि स्क्रीन प्ले और इसकी स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी, इसलिए फिल्म की थी, बस उतना ही कॉन्फिडेंस था, बाकी नर्वसनेस काफ़ी थी इस फिल्म को लेकर। बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए हमने कई फिल्में साथ में की हैं, और आगे भी यही है कि साथ में और काम करना चाहेंगे, एंड कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो ज़रूर करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी स्क्रिप्टें मिलती हैं, क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट तो एक ऐसी चीज़ है जो किस्मत से मिलती है, और अच्छी स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं, दिन में दो तीन चार आते हैं, लेकिन कौन सी अच्छी लगती है वो आप पे डिपेंड करता है, एंड आपके लक पे डिपेंड करता है। सो आई होप और कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि एक कई कई असल जिंदगी की घटनाओं को लेके वो फिल्म बनाते हैं, और ऐसे सीन्स, ऐसे ऐसी स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट लिखते हैं कि जब हमने जो जो हमने कभी किसी डीवीडी में नहीं देखी, कोई लैंग्वेज में नहीं देखी, तो कुछ नया नया चीज़ देखने मिलता है, और उनका टेक जो होता है स्क्रिप्ट को लेके बहुत अलग ढंग से होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अलग है उनकी। जी, मैंने कब कहा था ये? आपने कहा था आप दूसरे डायरेक्टर्स के दूसरी फिल्म के टीम के साथ भी पार्टी करेंगे, दोनों फिल्म में कामयाब हो। हाँ, वैसे तो अभी तक तो पता नहीं है इसका, पता नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त ये इंटरव्यू ख़त्म करके लखनऊ जा रहा हूँ, मेरी शूटिंग है जॉली LLB की, तो पार्टी का तो अभी पता नहीं है। आई थिंक बायोपिक हैज़ बीन पिक्ड अप बाय ऑडियंस इन अ गुड वे, एंड इट्स ग्रेट दैट बायोपिक इज समथिंग लाइक अब इट्स अबाउट ग्रेट पर्सन्स स्टोरी विच कम्स इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, एंड दे वुड लव टू सी हाउ दे बिकेम ग्रेट। सो इट्स गुड टू मेक बायोपिक, बायोपिक वर्क्स फॉर इंडिया, एंड सो इट्स गुड दैट पीपल आर मेकिंग। यही कि इट्स गुड दैट पीपल एक्नॉलेज पीपल्स वर्क, एंड एट वन ऑफ द फंक्शंस, एट वन ऑफ द प्लेसेज वे आई थॉट दे हैव एक्नॉलेज्ड इट, एंड आई शुड ऑल्सो एक्नॉलेज इट, सो आई जस्ट गिव देम सम चेक्स, एंड दैट्स इट। आई डोंट नो वेदर आई सूट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बनाएगा ही हैज़ टू थिंक वेदर आई सूट द कैरेक्टर और नॉट, आप इसको सुपर एक्टर मानते हैं बॉलीवुड? मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में आज आप अगर इतनी जल्दी पूछोगे तो मैं नहीं कह सकता, इसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ बिग कैरेक्टर यू आर प्लेइंग, इट इज़ नॉट अ स्मॉल पर्सनैलिटी, इट्स अ बिग पर्सनैलिटी यू आर टॉकिंग अबाउट, सो आई कैन नॉट आंसर दिस लाइक दिस। नहीं जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ अभी अगली फिल्म के लिए, माई कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी ऑन दैट फिल्म नाउ, बिकॉज आई हैव टू कम्प्लीट दैट फिल्म, I don't know my producer Z, and they are going to think of it, what they are going to do, and I'm sure they're going to come up with something. मैंने रिसर्च, जैसे इन्होंने कहा कि मैं रिसर्च नहीं करता हूँ, मेरे डायरेक्टर ही कर लेते हैं, तो बेस्ट है मेरे डायरेक्टर ही करते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, आई थिंक क्योंकि जो लोग इन सब चीज़ों से सम्मानित होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, एक सर्टिफिकेट मिलना, मेडल मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप इतने सारे लोग खड़े हैं, मैं आपसे सबसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या पैसे मिलना, डोंट यू थिंक सो दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल? क्योंकि मैं देखता हूँ उन लोग आते हैं, कितने गरीब खानदान से होते हैं, कई लोग जिनको पैसों के, मैंने कई बार देखा है अपने मेडल बेच के वो पैसे लेना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, हम घटनाएँ आप सब सुन चुके हैं, सो इट इज़ बेटर कि जब आप सम्मानित करो उनको मेडल के साथ भी करो, पैसों से भी करो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। जी, वो तो बहुत अच्छा है, इस टाइम हम इसे इन्होंने रखा भी है हमारे गवर्नमेंट ने कि जो भी जीतेगा ओलंपिक के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर ब्रॉन्ज, उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे, सो इट्स ऑलरेडी बीन देयर, सो वी डोंट नीड टू पास हिम, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई डोंट नो अबाउट द ट्रेंड, बट श्योरली वी बोथ आर वेरी गुड नेबर्स,
and are very happy neighbors, and we respect each other, and that's the most important thing. I am not allowed to talk, darling. My whole agreement will get cancelled. Yeah. Anything else? Thank you very much, everybody. Thank you.